Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm here with the fourth lecture of communication skills, mcm301. And isse pehle humne jo previous two lectures dekhe hain usme humne baat ki thi intrapersonal to ourselves and interpersonal with a small group from 2 to 4 or 10 people round about. ठीक है, टू अ स्मॉल ग्रुप. अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन की. कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारे बाकी तीन लेवल फॉल करते हैं, लेवल कम्युनिकेशन फॉल करते हैं. एक मेडिएटेड है, पर्सन टू ग्रुप है और मास कम्युनिकेशन है. ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन की गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिक हैं और थ्री हैं. पीपल आर नॉट माइंड रीडर्स पोजेस यू बाय देयर बिहेवियर एंड नॉट बाय योर इंटेंट. अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक तो चीज़ बड़ी अंडरस्टूड और क्लियर हमें समझ आ रही है इस लाइन में, और वो ये है कि आपके आप जब कोई एक तरह का बिहेव कर लेते हैं तो उसके बाद आप आपकी इंटेंशन जैसी भी हो, आप जो है वो बाद में जैसी मर्जी जस्टिफिकेशन दे लें कि नहीं भाई मैं तो ये कहना नहीं चाहता था, या फिर मेरा मतलब ये नहीं था, या फिर मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं जैसा आपने समझ लिया वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें बाद में किसी काम की नहीं होती. बस आपका बिहेवियर मैटर करता है जो एक ही दफ़ा आपने रिप्रेजेंट करना होता है. हमने लेक्चर 3 में बात की ना डिस्प्लेड बिहेवियर की. अच्छे जी, और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, मतलब आप घर से बाहर गए हैं, आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, बट यू आर कम्युनिकेटिंग विद एवरी सिंगल पर्सन टू होम यू आर वॉचिंग एंड टू होम यू आर पासिंग बाय. ठीक है, कोई भी आपके आसपास पे गुजर रहा है, आप जो देख रहे हैं, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होंगे, बट योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर जेस्चर्स, योर पोस्चर्स, ठीक है, आपके सारे के सारे एक्सप्रेशन जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्हीं चैनल्स के थ्रू आप फीडबैक भी ले रहे हैं. ठीक है, अ वर्ड इज़ लाइक एन एरो, once out of bow never returns. अगर एक दफ़ा वो तीर कमान से गया सो गया. वर्ड भी इसी तरह से ही होते हैं. अगर आपने एक दफ़ा वर्ड जो है वो ज़बान से निकाल दिया, एक कोटेशन होती है ना कि वर्ड्स जो हैं जब तक आपके पास हैं आपके कंट्रोल है कि आप उन वर्ड्स को कहें या नहीं कहें, बट जब आपने कह दिए तो उसके बाद आप उन वर्ड्स के गुलाम होते हैं. आपको आपको अपने वर्ड्स को जाहिर है फिर फॉलो करना पड़ता है, पहले तो आप उन्हें लीड कर रहे होते हैं. अच्छा जी, वी डोंट एक्सचेंज आइडियाज, वी एक्सचेंज सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर. अच्छा, ये जो मैंने वर्ड्स वाली बात किया तो इसमें यह है कि बींग एन एम्प्लॉय एंड बींग एन बॉस और यू नो अ कॉमन पर्सन इन समवन लाइफ, आप सिर्फ वही बात करें जो आप कर सकते हैं. ठीक है, आप वही बात करें जितना काम आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और परफेक्शन के साथ कर सकते हैं. ये जो झूठी तसल्लियाँ ये लीड करना होता है ना, ये बाद में बड़ा मसले बनते हैं. वी नॉट एक्सचेंज आइडियाज, वी एक्सचेंज सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर आइडियाज. अगर हम सिंबल्स की बात करें तो यहाँ पे सिंबल का मीनिंग है वर्ड. आप अपना आइडिया जब किसी को दिखा रहे हैं तो आप आइडिया दिखा नहीं सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ को वर्ड्स का कवर चढ़ाएंगे, उनको रैप करेंगे वर्ड्स में, फिर आप अगले बंदे को प्रेजेंट करेंगे. अब जितने खूबसूरत आपके वर्ड्स होंगे, अगर आपका वो जो गिफ्ट है वो जो आइडिया है बेकार भी हुआ तो फिर भी अगले बंदा जो है वो कम अज़ कम आपकी बात सुन लेगा और वो कोई इस तरह का ही आपको कमेंट देगा या कुछ तरह की ही आपको फीडबैक देगा जो हर्ट ना करती हो कम अज़ कम. ठीक है जी, मेडिएटेड कम्युनिकेशन क्या जी, व्हेन टू और फ्यू पीपल डू नॉट कम्युनिकेट फेस टू फेस दस डू नॉट हैव डायरेक्ट फीडबैक. अब इसमें दो चीज़ें हैं जो हमने देखी थी, इंटरपर्सनल में दो चीज़ें थी, वो इसमें ओपोजिट हैं. अब इंटरपर्सनल में हमने देखा था कि लोग फेस टू फेस बात करते हैं और वो डायरेक्ट फीडबैक देते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं. ठीक है, बट उसकी बिल्कुल मिरर इमेज ये है कि ये लोग यहाँ पे लोग फेस टू फेस बात नहीं कर रहे होते और डायरेक्ट फीडबैक नहीं होती. अब फेस टू फेस जब नहीं बात करेंगे तो जाहिर है कंटेक्स्ट वाला तो फीचर ही गया ना, कंटेक्स्ट थोड़ा बहुत ही मिल सकेगा. और इसके अगर फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं तो फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज ही यूज़ होंगे, और इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल जो डिवाइसेज हैं वो क्या हो सकती हैं, वो मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं, वो लैपटॉप्स टैबलेट्स वगैरह हो सकती हैं, इनके थ्रू आप कॉल वीडियो कॉल भी कर सकते हैं एक्सेट्रा. पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन, द पर्सन टू ग्रुप लेवल इन्वॉल्व्स वन स्पीकर एंड ऑडियंस. अब स्पीकर जो है वो एक ही पर्सन होता है जो खड़ा होकर कम्युनिकेट कर रहा होता है, और ऑडियंस जो है वो यूजली एक इंटरेस्ट के लोग बैठे होते हैं सामने, ठीक है, जो उस स्पीकर को सुन रहे होते हैं. अब ये अगर तो ये स्मॉल है और प्राइवेट पर्सन टू ग्रुप सिचुएशन है तो फिर तो आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बहुत सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी मिल जाएंगे. और अगर ये ट्रेडिशनल अगर ये जो है वो लार्ज है तो फिर आपको जो है ना ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाला बिल्कुल एडवांटेज ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आएगा, फिर ये आपके पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन प्योर हो जाएगी. ठीक है, ट्रेडिशनल स्पीकर ऑडियंस में क्या होता है, उस सेटिंग में माइक्रोफोन प्रोजेक्टर स्टेपलर्स तो हर अब यूज़ भी नहीं होते, माइक्रोफोन प्रोजेक्टर वगैरह ही होते हैं. मास कम्युनिकेशन क्या होती है जी, मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया ही दो डिफरेंट चीज़ें हैं. मास कम्युनिकेशन इंक्लूड मैसेजेस सेंड टू लार्ज पब्लिक, ठीक है, जो डिसिमिलर भी है और जो एनोनिमस भी है और जो डिस्टेंट है, आपको नहीं पता लोग कहाँ पे हैं क्या कर रहे हैं, आपको उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी नहीं पता. यूजिंग सम इंटरमीडिएट इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जी, वो इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो वो टीवी है, वो आपका अमेज़ॉन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं.
आपका इंटरनेट है, और अगर वो प्रिंट मीडिया है तो फिर ये आपके पास न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स एंड बुक्स एंड एक्सेट्रा। द रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक इज मोस्ट सीरियस बैरियर टू इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा मसला इसका ये है मास कम्युनिकेशन का कि इसमें आपको जो है वो फीडबैक प्रॉपर नहीं मिल रही होती, प्रॉपर क्या इम्प्रॉपर भी नहीं मिल रही होती। कौन लोग हैं जो उस पर करते हैं यू में से कि न्यूज़पेपर के ऊपर जो है वो रिप्लाईज लेटर वगैरह में लिख के सेंड करते हैं, कोई भी नहीं करता होगा, अगर करते भी हैं तो बहुत माइनर। कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन अब हम स्टडी करते हैं, इसमें ये है जी कि ये एक्सटेंसिवली यूज़ होती है मैनेजरियल फंक्शन के लिए, क्योंकि मैनेजर ने प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है स्टाफ के साथ, उसने स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है, उसने और भी इसके अलावा भी उसके कुछ फीचर्स होते हैं जो मैनेजर ने परफॉर्म करने होते हैं। कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, तीन डायरेक्शन में फ्लो करती है जी कम्युनिकेशन। इट्स डेस्टिनेशन कैन बी अदर इंटरनल और इंटरनल, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमें नेम से उसका अंदाजा हो रहा है कि ये हायर मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट की तरफ आएगी, ठीक है। लोअर मैनेजमेंट आप कह लें या फिर मैनेजमेंट के अगर वर्ड को निकाल दें तो ये हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में। हायरार्की कहते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर को, जैसे एक बॉस है, बॉस के बाद फिर जो है वो मैनेजर्स हैं, और फिर उसके एम्प्लॉयज हैं, और फिर उसके एम्प्लॉयज हैं एंड सो ऑन, ठीक है। The primary function of downward communication is to inform employees. बस इतना काम है। अब inform करने के लिए कौन कौन सी important चीज़ें हो सकती हैं जी, about their jobs, उनके organizational policies क्या हैं, procedures क्या हैं, feedback उनकी performance का उन्हें देना होता है, अपने organization goals और objectives हैं, ये चीज़ें आपने उन्हें बतानी है। The type of downward communication may include instructions, speeches, meetings, announcements, memos, notifications, letters, handbooks, pamphlets, company newsletters, ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है सारा कुछ है। अच्छा जी, वाई इसकी ज़रूरत क्यों होती है जी, वर्कर्स विल बी मोटिवेटेड एंड बिकम मोर एफिशिएंट। जब एक मैनेजर लेवल का बंदा वर्कर या एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के उसके साथ उनके साथ डिस्कस कर रहा होता है ना, उन्हें जो है वो इस तरह की चीज़ें बता रहा होता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें कंट्रीवेंसल है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, जो कौन सी बेनिफिशरी हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें जब उन्हें बता रहा होता है तो वो एक आप कह लें कि सेंस ऑफ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डिवेल्प हो रही होती है एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। और सिंसेरिटी सबसे बढ़ के उनमें आ रही होती है जो आपके काम को एफिशिएंट बना देती है। दे नीड क्लियर जॉब डायरेक्शंस एंड सेफ्टी रूल्स। अब वर्कर्स जो हैं उन्हें क्लियर जॉब डायरेक्शंस भी चाहिए, उन्हें सेफ्टी रूल्स भी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी के बगैर तो काम कोई भी नहीं करता ना। आप पहले तो शायद लोग बेचारे करते भी होंगे जो मजबूर होंगे, अब तो कोई भी नहीं करता। दे नीड टू नो फैक्ट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट्स एंड व्यू पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल इशूज, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए जी। एम्प्लॉयज़ वॉन्ट टू नो अबाउट देयर बेनिफिट्स, उनके हेल्थ बेनिफिट्स, उनके केयर बेनिफिट्स, उनके पेंशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। इन अ वे द एम्प्लॉय थ्रू देयर कलेक्टिव प्रेशर फोर्स देयर एम्प्लॉयज़ टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस थ्रू अफेक्टिव डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर अफेक्टिव डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ भी आपको अकाउंटेबल कर सकते हैं जी, आपके वर्ड्स के लिए जो आपने प्रोमिसज किए होंगे, और आप भी उन्हें अकाउंटेबल कर सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इसके भी नेम से पता चल रही है, उसकी मेरी रिज्यूमे इट ट्रेवल्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर एंड कंटिन्यूज अप टू द अप द ऑर्गेनाइजेशनल लैडर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशनल लैडर में वो सीढ़ी की तरह ये अपवर्ड्स जाती रहती है। अनफॉर्चुनेटली दिस फ्लो इज ऑफन हिंडर्ड बाय people in the communication link who filters the message and do not transmit all the information, especially unfavorable news to their bosses. ऐसा ही होता है कंपनीज के अंदर, और आप में से बहुत सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग टू बी ऑनेस्ट इस चीज़ का पार्ट भी होंगे कि वो अपने बॉस को पूरी बात नहीं बताते, और जो बहुत बड़ा लॉस होता है, आप अब जो अनफेवरेबल चीज़ है उसको नहीं बताते जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपके बॉस अनहैप्पी हो जाएंगे और वो जो है वो कुछ तरह के एक्शन ना ले लें जिसमें आपकी भी शामत आ जाए, तो इस वजह से हम वो चीज़ें बॉस को बताते ही नहीं हैं। बट ये बहुत गलत है, आपको उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए, और इसकी अभी तो इतनी ज़्यादा नीड होगी अभी जितने भी लेटेस्ट या मॉडर्न आप कह लें कम्युनिकेशन कि ये आ रही हैं मैनेजरियल रूल्स जो डिफाइन कर रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन को और अपवर्ड कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। Types of media used to direct information upwards are reports, ठीक है, interior office memos, supervisor, subordinates conferences, suggestion system and grievance procedures, इतनी भी सारी चीज़ें होती हैं जितनी भी आप present कर सकते हैं अपने boss को, ये सारी चीज़ें, ठीक है। Lateral communication जो है इसको horizontal flow भी ये होता है और ये diagonal flow भी होता है। It includes horizontal flow of information with people on the same or similar organizational levels, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैनेजर हैं, एक और बंदा भी मैनेजर है, आप दोनों के बिटवीन जो कन्वर्जेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, और डायगोनल फ्लोज का तब होगा विद द पीपल एट डिफरेंट लेवल्स हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। वो अपवर्ड्स भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड्स भी हो सकते हैं, बट उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप आपस में नहीं है। द लेटरल कम्युनिकेशन इज यूज टू स्पीड अप इन्फॉर्मेशन फ्लो, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड टू
coordinate efforts for the achievement of organizational objective. Most lateral communication is of an oral nature involving a conference between the participants. ठीक है, ये participants के between conference भी हो सकती है और ये oral होती है. Mostly most of the cases इसकी जो nature होती है वो call की होती है. ठीक है, audio call में हम comfortable होते हैं ना mostly अपने लोगों के साथ भी discuss करने में, और audio call या messaging इसकी सबसे ज़्यादा common type होती है. Thank you so much for listening and don't forget to subscribe, like and share. Allah Hafiz.